झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के गोरखुट्टी वाई क्वार्टर के समिति दामोदर नदी के किनारे सुदामडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लगभग 60 बोरा कोयला जब्त किया और कोयले को ले जाने का साधन नहीं देने के कारण पुलिस ने सभी कोयले को बोरा फाड़कर नदी में बहा दिया। सआने के बीपी यादव ने कहा कि थाना प्रभारी प्रदीप राणा को गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर छापेमारी की गई जिसमें 60 बोरा अवैध कोयले को जब्त कर उसे फाड़कर नदी में बहा दिया गया और आगे भी इस तरह का छापेमारी जारी रहेगा। इस छापेमारी से कोयला चोरों में हड़कंप मच गया। हालांकि कोई भी चोर पकड़ा नहीं जा सका, सभी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। कौन सी जगह पर कोयला पकड़ा है सर? आज ये है गोरखुट्टी पानी सप्लाई घाट के पास गुप्त सूचना थाना प्रभारी के द्वारा मिला कि कोयला 50-60 बोरा नदी किनारे रखा हुआ है। उसका जांच आए, देखे 50-60 बोरा कोयला बरामद किए। एक साइकिल साथ में, एक साइकिल भी बरामद हुआ। आदमी अंधेरा रहने के कारण दिखाई नहीं पड़ा, जंगल में या पहाड़ के इमें छिप गया हो या ये नहीं बता सकते हैं। कोयला रहे सर? कोयला देखे ऐसा जगह है कि ट्रैक्टर ने कोई गाड़ी चलने लायक का है, खाली गाड़ी उतर सकता है और चढ़ाव इतना काफ़ी है कि ट्रैक्टर खुद अपना इंजन समेत उठ जाएगा पहले ही। तो क्या कर रहे हैं कोयला को? ये कोयला को थाना प्रभारी द्वारा आदेश मिला कि टोटल बोरा को फाड़ दिया जाए, समझे, और नदी में बहा दिया जाए।